साउथ एशियन मीडिया ग्रुप वाई मीडिया। चंडीगढ़ में पंजाब के हजारों किसानों ने आप सरकार के खिलाफ जोर शोर से धरना प्रदर्शन किया है, जो अपने हकों और डिमांड्स को लेकर एक लंबे समय से सरकार से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसान प्रदर्शन आप सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होकर किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विभिन्न मुद्दों पर सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल किसानों का कहना है कि उनके मसले जैसे कि फसलों के उचित दाम, कर्जा माफी और बिजली के बिलों में राहत अभी तक सरकार के द्वारा नजरअंदाज किए गए हैं। किसानों ने चंडीगढ़ में अपने प्रदर्शन के दौरान अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से रखने की कोशिश की, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर उनके समस्याओं का तुरंत हल नहीं निकला तो वो अपने आंदोलन को और भी तेजी से आगे बढ़ाएंगे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उनके हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है और उन्हें सिर्फ वादों पर अटका दिया गया है। इस मामले को लेकर अब सरकार के ऊपर एक नया दबाव बन गया है, जिसमें उन्हें किसानों के साथ समय से संवाद करना पड़ेगा। आगे का वक्त बताएगा कि सरकार किस तरह से इन किसानों की मांगों का समाधान करती है, लेकिन फिलहाल किसानों ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है कि अपने हकों के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। साउथ एशियन मीडिया ग्रुप वाई मीडिया।